14 अप्रैल यानी मंगलवार दिल्ली में कोरोना वायरस के 51 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 1561 पर पहुंच गई। इनमें 28 लोगों की मौतें भी शामिल हैं और वे 30 मरीज भी जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मंगलवार को जारी एक वीडियो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वे 3 मई तक जहां हैं वहीं बने रहें। उन्होंने कहा, हम भोजन, दवा या जरूरत की हर चीजें मुहैया कराएंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें और जहां हैं वहीं बने रहें। इसके अलावा दिल्ली में बुधवार को 8 नए इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया है। सील किए गए 8 नए इलाके पंडित मोहल्ला, चिराग दिल्ली, C2 ब्लॉक जनकपुरी, गली नंबर 1, 2 और 3, संगम बिहार, छुरिया मोहल्ला, तुगलगा बादगांव, H3 ब्लॉक जहांगीरपुरी, बारा हिंदूराव इलाका, नवाबगंज, B ब्लॉक शास्त्री पार्क। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।